नमस्कार बच्चों, स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, सहिष्णु महर्षि, जिनका नाम है दयानंद जी। महर्षि दयानंद बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आइए उनके पाठ के माध्यम से जानते हैं उनके व्यवहार को भी। महर्षि दयानंद वेद धर्म प्रचारयन समाजे च व्याप्तान कुरीति निवारयन भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद वेद धर्म के प्रचार के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों का निवारण करने के लिए भारत में सभी जगह घूम रहे थे। एकदा सा काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन कुटीरे। एक बार काशी नगर में गंगा नदी के किनारे एकस्मिन कुटीरे एक कुटिया में शिष्यों के साथ अतिष्ठत वो रहते थे या आकर ठहरे थे। तत्र समीप में एक यात्री, तत्र यानी वहाँ पास में ही एक यात्री भी ठहरा था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया के पास आकर अकारणम बिना कारण ही महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म, महर्षि से बुरे वचन या बुरा भला कहता था। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा, इंद्रियों को जीत लेने वाले महर्षि ने सब सुना और सुन करके शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म, शांत मन से वो बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सह कदापि न प्रत्युत्तर, उन्होंने कभी उसको जवाब नहीं दिया। शिष्याः क्रुद्धः अभवन्, जब उनके शिष्यों ने ये सब कुछ देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। महर्षि तान चिंताओं मा कुरु, महर्षि ने उनसे कहा चिंता नहीं करो, तूष्णीं भव चुप रहो यानी शांत रहो। महर्षि कथयति स्म, महर्षि कहते थे यत सह स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, एक दिन वह स्वयं ही सरल हो जाएगा। एकदा जना प्रचुरानि फलानी तत्र आनयत, एक बार एक व्यक्ति कुछ फल लेकर वहाँ आया। महर्षि दयानंद कानिचित मधुराणी रसयुक्तानि च फलानि वस्त्रे बद्वा यानी कपड़े में बांध करके तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने क्या किया, महर्षि दयानंद ने कुछ फलों को, उनमें से कुछ मीठे फलों को कपड़े में बांध करके अपने शिष्य को दिया और कहा उस यात्री को दे दो जाकर। सह शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य सोचने लगा। सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य, वह यात्री तो रोजाना यहाँ आकर अकारण में बिना कारण के ही कटु वचनानि कथयति, कठोर वचन कटु वचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, फिर उसके लिए ये फल क्यों। शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को समझ करके महर्षि अकथयत, महर्षि ने कहा चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, और उस यात्री को यह फल देकर आओ। गुरु आज्ञया शिष्यः यात्रिणा समीपं गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर के बोला अस्माकं स्वामिना भवता कृते, हमारे स्वामी ने आपके लिए एतानि फलानि प्रेषितानि, यह फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार कीजिए। सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, उस असहनशील जिसमें सब्र नहीं था वह यात्री दोबारा से दुर्वचन कहने लगा, बुरा भला कहने लगा। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्ववर्णितवान, उनके शिष्य ने महर्षि के पास जाकर के सब कुछ कहा, जैसा उसने कहा वैसा सब कुछ बता दिया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर अपने शिष्य को दोबारा वहाँ भेज दिया। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य ने वहाँ जाकर के कहा अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी कहते हैं यत भवता अमृत वर्षाया बहुशक्ति नष्टा, कि आपकी ये जो आप अमृत वर्षा करते हैं उससे आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई होगी। पुनः अमृत वर्षाये शक्ति में प्राप्तुम,
दोबारा से वही अमृत वर्षा करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए एतानी मधुराणी रसयुक्तानी च फलानि स्वीकरोतु। शक्ति को प्राप्त करने के लिए इन मधुर और रसयुक्त फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके सहयात्री लज्जिता भूत्वा, वह यात्री बहुत लज्जित हुआ। धावित्वा च और दौड़ करके महर्षे समीपम, महर्षे के पास जाकर, पादयो च पतित्वा कथयत, पैरों में गिर गया और गिर करके बोला, क्षमस्व महर्षे, मुझे क्षमा करें महर्षि, क्षमस्व मुझे क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, मुझे अपना दोषी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान देव, आप तो भगवान हैं, क्षमस्व क्षमस्व मुझे क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन, ये सब देख करके उनके शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से महर्षि के सरल और विनम्र स्वभाव ने उस असहनशील व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर दिया, और अपराध बोध के कारण क्षमा मांगता हुआ वो कैसे उनके चरणों में गिर गया। सही कहा गया है कि सरल और विनम्र स्वभाव हर व्यक्ति के बुरे से बुरे व्यवहार को भी बदल सकता है। आइए अब देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। कुरीति ही बुराइयाँ, अभ्रमत घूम रहे थे, अस्माकम हमारा या हमारे, अकारणम बिना कारण के, सर्वत्र सभी जगह, अस्मि हूँ, तत्र वहाँ, उपगत्य का अर्थ है पास जाकर। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।